तो आइए भगवान नारायण की असीम कृपा से यह अवसर प्राप्त होता है, अपने जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी होता है हर रोज के संबंध में, तो आदमी अपनी सतर्कता से उस हिसाब से अपना काम करता है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह मास कैसा रहेगा, सितंबर महीना? तो सबसे पहले 1 से 10 सितंबर तक चंद्रमा की सप्तम दृष्टि से माह पर आरंभ होगा, समय अच्छा रहेगा। 3-4 तारीख को आय में गिरावट हो सकती है, व्यापार भी मध्यम रहेगा, नौकरी में अधिकारी परेशान कर सकते हैं। 5 तारीख से समय अनुकूल हो जाएगा, कार्य का विस्तार होगा, शत्रु पीछे हटेंगे, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। 11 से 20 सितंबर तक गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है, समय सब प्रकार से अच्छा जा रहा है, कार्य विस्तार के साथ लाभ की प्राप्ति भी होगी, परिवार अनुकूल रहेगा एवं सहयोग भी प्राप्त होगा, नए लोगों से लाभदायी संपर्क होंगे, प्रेम में सफलता एवं जीवन साथी अनुकूल रहेगा, व्यापार बढ़िया होता जाएगा। 21 से 30 सितंबर तक 23-24 को चंद्रमा चतुर्थ रहेगा, किंतु इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 25 से पुनः कार्य में गति आ जाएगी एवं समयानुसार सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लाभ की वृद्धि एवं व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है, संपर्कों से लाभ मिलेगा एवं नए मित्र प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए शुरुआत में बॉस आपका विरोध करेंगे, काम का अत्यधिक दबाव बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी, कुछ अच्छी जिम्मेदारी आपके हिस्से में आएगी, दफ्तर के विरोधी परास्त होंगे। व्यापारियों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए महीने की शुरुआत में बिजनेस मंदा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता जाएगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको अच्छी आय मिलेगी, कोई नया संपर्क भी होगा। पारिवारिक स्थिति, तो परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा, कोई अच्छा अवसर आएगा जो आपको एक साथ रखेगा, मांगलिक उत्सव रहेगा, संतान से प्रेम मिलेगा, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। सेहत संबंधी जानकारी, आपके लिए इस महीने कुछ थकाने वाली यात्राएं होंगी जिनसे आपको थोड़ा तनाव महसूस होगा, शेष समय हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, नवविवाहितों के लिए थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन आपसी मधुरता लगातार बढ़ेगी, प्रेमियों के लिए समय विपरीत हो सकता है। संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो आपको महीने आखिरी 15 दिनों का इंतजार करना चाहिए, इस दौरान कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। और इसको बेहतरीन बनाने के लिए, ये रहा सितंबर माह में मीन राशि वाले जातकों के लिए, और इसको बेहतरीन बनाने के लिए भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करें और श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये रहा मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का राशि फल। अब दैनिक राशि फल या अगले माह के लिए, अक्टूबर के लिए जानने के लिए हमारे इस वेबसाइट से, चैनल से जुड़े रहें, उसकी प्रतीक्षा करें। तब तक धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री